बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोजाना बाखबर रह सके। मानसून इस साल पाकिस्तान में कैसा रहेगा? महकमे मौसमियात के मुताबिक इस मानसून सीजन से कितनी फीसद मुल्क में बारिशें मुतवक्को हैं, कहाँ कहाँ पर? आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं तो इस मानसून सीजन के दौरान मुल्क में कितनी फीसद बारिशें होंगी, इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। इस दौरान रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन को पाकिस्तान में आने में 3 हफ्ते बाकी हैं, जिससे कराची से लेकर कश्मीर तक बारिशें ही बारिशें होंगी। इस साल मानसून सीजन सिंध समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6 जुलाई से दाखिल होगा और इंशाल्लाह इस साल मानसून सीजन से मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्को है, क्योंकि महकमे मौसमियात वालों ने ऐलान कर दिया है कि गुज़िश्ता साल 2019 से 2020 में 20% ज्यादा बारिशों का इम्कान है इंशाल्लाह। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक हर साल मानसून बारिशों का पहला मरहला शुमाली मशरकी और जनूबी पंजाब, मशरकी और जनूबी सिंध से शुरू होता है। इसी दौरान इस साल भी मानसून बारिशों का पहला मरहला इन्हीं हिस्सों से शुरू होगा। इस दौरान खुसूसन लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, गुजरात, रहीमयार खान, भावलपुर, भावल नगर, डीजी खान, लेकिन सुबह सिंध से थर पारकर यानी उमरकोट, इस्लामकोट, मीरपुर खास, नगर पारकर, छाछरों, मिट्टी, बदीन, सिजावल और कुछ दीगर हिस्सों से शुरू होगा इंशाल्लाह। इस साल पाकिस्तान में जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान मानसून की पहली बारिश होने की तवक्को है। इसी दौरान जुलाई के दौरान शुमाली और जनूबी पंजाब, शुमाली मशरकी और कुछ बालाई सिंध, कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिलगित बल्तिस्तान में मानसून बारिशें होने का इम्कान है। नाज़रीन अब कुछ बात करते हैं तो इस साल पाकिस्तान के किन किन हिस्सों में अच्छी और गैर मामूल के मुताबिक बारिशें और साथ ही साथ कहां कहां पर कितनी फीसद बारिशें होंगी, तफसील से शहरों के साथ इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मानसून बारिशों का पहला मरहला शुमाली मशरकी और जनूबी सिंध से शुरू होगा। इसी दौरान थर पारकर के मुख्तलिफ हिस्सों यानी उमरकोट, इस्लामकोट, मीरपुर खास, नंगर पारकर, मिट्टी, बदीन, छाछरों और दीगर हिस्सों में अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं, लेकिन कराची, हैदराबाद, सक्खर और दातू समेत बाली मगरबी और सेंट्रल सिंध में भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं। जबकि इसी दौरान इस साल सुबह सिंध में मामूल से 20% ज्यादा तक बारिशें रिकॉर्ड होने का इम्कान है, लेकिन कोटिया समेत बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ हिस्सों में इस साल अच्छी सी कुछ गैर मामूल के मुताबिक मानसून बारिशें हो सकती हैं। इसी दौरान शुमाली मशरकी बलूचिस्तान यानी बारखान, अरनई, जाफराबाद, खुशदार, डेरा भुगटी, लसबेला और दीगर कुछ मकाम पर अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं, लेकिन पहाड़ी हिस्सों के भी मुख्तलिफ जगह पर मूसलाधार बारिशों की वजह से नदी नालों में तुगियान का भी खदशा मौजूद। जबकि कोटिया समेत बालाइश, मगरबी और जनूबी बलूचिस्तान के तमाम हिस्सों में गैर मामूल के मुताबिक बारिशें मुतवक्को हैं। अलबत्ता इस साल बलूचिस्तान में मामूल की निस्बत में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। ताम, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत बाली, शुमाली, जनूबी और वस्ती पंजाब में भी इस साल अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। इसी दौरान जनूबी और शुमाली पंजाब यानी लाहौर, सरगोधा, गुजरांवाला, गुजरात, रेमियार खान, साहिवाल, डीजी खान, भावलपुर, मुल्तान और दीगर कई हिस्सों में अच्छी बारिशें हो सकती हैं, लेकिन बालाई और वस्ती पंजाब यानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, फैसलाबाद, हाफजाबाद, मंगला और दीगर कई हिस्सों में भी गैर मामूल के मुताबिक अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। जबकि उम्मीद है इस पंजाब में मामूल से ज्यादा 20% तक बारिशें हो सकती हैं। ताम, राजनपुर यानी कोई सलेमान के मुख्तलिफ पहाड़ी हिस्सों और नदी नालों में शदीद तुगियानी का भी खदशा होने का इम्कान है। इस दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हिस्सों में इस साल अच्छी बारिश के इम्कान मौजूद हैं। ताम, बालाई, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर, मर्दानकोट, एबटाबाद, मानसहरा, सोवा, चित्राल, मेंगावारा, लेकिन जनूबी और मगरबी खैबर पख्तूनख्वा यानी डीआई खान, लकी मरवत, मालाकंड, हजारा, बनू, चिनार और दीगर हिस्सों में भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं। इसी दौरान पहाड़ी इलाका जात में शदीद लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है। जबकि इस साल खैबर पख्तूनख्वा में भी 20% से ज्यादा बारिशें मुतवक्को हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के तमाम पहाड़ी हिस्सों में भी शदीद बारिशें मुतवक्को हैं, लेकिन मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत अक्सर वादियों में वक्फे से तूफानी बारिशों की वजह से पहाड़ी हिस्सों में शदीद लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, लेकिन इस साल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी 20% तक बारिशें मुतवक्को हैं। मजीद रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से गिलगित, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में
शदीद लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, जिससे मुल्क के तमाम डैमों में पानी की सतह में इजाफा होने की वजह से शदीद सैलाब का भी खतरा हो सकता है। नाज़रीन इंशाल्लाह जैसे जैसे मानसून सीजन करीब आता जाएगा हम आपको लम्हा बाय लम्हा अपडेट से आगाह रखते रहेंगे। नाज़रीन ये थी कुछ मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की। मजीद वो होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। बस दुआ करके रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिश हो। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म बारिशों के मुतालिक रोजाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह।